सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपके अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं डुमरी जंक्शन के पास में और देख सकते हैं यहाँ पे जो है रैंप का निर्माण पिछला बार जो दिखाए थे, जो कि इसका ढलाई का वर्क ही हो रहा था। अब देख सकते हैं यहाँ पे मार्बल टाइल्स वगैरह लगा के जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ये जो रैंप है ये बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, इस पूरे प्लेटफॉर्म पे हो रहे वर्क का अपडेट आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियोज के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पहले ये डुमरी हॉल था जो कि अब जंक्शन के रूप में इसका पुनर्निर्माण हो रहा है और इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो है सरफेस एरिया इस तरह से पूरा पक्का कर दिया गया है। तो ये जो है आपको प्लेटफॉर्म के रूप में बन के उभरने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं जो लोहे का आपको ये रखा गया है बेस वगैरह, तो ये जो आपको रैंप बन रहा है ना इस रेलवे ट्रैक पे, उसी के लिए ये है। नीचे में ये बेस दिया जाएगा और ये रेलवे ट्रैक भी है और देख सकते हैं ये नया वाला रेलवे ट्रैक बिछा है। ये और वो दोनों नया वाला रेलवे ट्रैक है। अब पुराना वाला रेलवे ट्रैक उस साइड में आपको दो लेन का दिख रहा है। तो यहाँ पर हो गया दो रेलवे ट्रैक जो कि नया वाला है। ये है आपको जट डुमरी से पोटी की तरफ जाने वाला ये रूट, जो कि आपको मसौढ़ी गया इस तरह से आप इन रूटों में जा सकते हैं और इस साइड में जाइएगा तो आप पटना की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए चल के इसके ऊपर हो रहे वर्क को हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बात करें तो ये जो नया वाला ट्रैक बिछा हुआ है इस पर तो अभी कोई वर्क नहीं हो रहा, लेकिन इस ट्रेन के जरिए इस पर जो भी लोहे का भारी भरकम या बहुत सारा सामान है इसे डुमरी जंक्शन के निर्माण के लिए, तो ये सारे सामान इसी मालगाड़ी के जरिए लाए जा रहे हैं। जो आपको छोटे छोटे जो सिल्ली देख रहे हैं ये आपको रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए काम में आता है रखते हैं। और जो रैंप का तैयारी है वो भी आगे काम बढ़ चुका है, ऊपर से जो है कट से उसे छा दिया गया है और इस तरह से जो है मालगाड़ियों के जरिए जो है रेलवे का जो भी निर्माण के लिए सामान है सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। डुमरी जंक्शन का जो रेलवे लाइन का है इस तरह से जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, मतलब इस पार से उस पार आराम से हो सकते हैं। और ये बहुत सारी मशीनें वहाँ ट्रैक्टर वगैरह सब लगा हुआ है जो कि कटर मटेरियल की आपूर्ति करता है। तो ये आपको उस तरह से तो चढ़ाव हो गया, मतलब आप इस रैंप के पर चढ़ सकते हैं उस साइड से। अब इस साइड से चढ़ने के लिए देख सकते हैं इस तरह से जो है नीचे में आपको बेस बनाया गया है, फिर इस पे लोहे के ग्रिल वगैरह लगा के आपको इस तरह से जो है ऊपर रैंप पे चढ़ने के लिए यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे साइड से दिखाते हैं इसका वर्क। देख सकते हैं पटना का जो रिंग रोड है उस तरफ से इस तरह से रोड रोलर के जरिए रोड का वर्क भी आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। और आगे में देख सकते हैं अलकतरा जो पिघलाने वाली गाड़ी होती है, फैलाने वाली, वो भी गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। और इस तरह से जो है डुमरी जंक्शन के किनारे रोड का डेवलपमेंट का काम हो रहा है। देख सकते हैं डुमरी जंक्शन का जो ये छोर है रिंग रोड के साइड का, उसी साइड में आ चुके हैं। तो एक टाइम था जब वहाँ पे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ हुआ करता था या बड़ का पेड़, मुझे अच्छे से याद नहीं, मेरे ख्याल से बड़ का पेड़ ही होगा। लेकिन वहाँ पर ट्रैक बिछा दिया गया है और ये रेलवे इंजन वहीं पे लगा हुआ है और ये जो है सरफेस एरिया इस तरह से जो है इसका ये हो चुका है बराबर। और आगे में है ये जो टनल है, तो ये टनल के जरिए आप वापस नीचे से, मतलब इस रेलवे ट्रैक के नीचे से होकर आप वापस जो जो डुमरी गाँव है उधर की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं पहले का समोसा चाट यहाँ पे लगा हुआ है, तो अभी तो फिलहाल डेवलप नहीं हुआ है, नहीं तो अस्थाई दुकानें जो हैं लग जाएंगी, जिसके जरिए हम रेलवे ट्रैक के उस पार से इस पार आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं रेलवे क्वार्टर बन रहा है, ये दूसरा क्वार्टर बन चुका है और तीसरा क्वार्टर के लिए वहाँ काम लगा हुआ है। और आगे आपको डुमरी जंक्शन ही पहले हॉल था, तो यहीं से जो है ना गाड़ियाँ आती थी और इस तरह से गांव में जाती थी, या आप इस तरह से जो है आगे की ओर, या आप इस रेलवे गुमटी को पार ना करके उसी पार से होते हुए आप पटना की तरफ जा सकते थे। और इस साइड में आपको हो गया नेवरा और भीटा की तरफ जाने के लिए, और भी बीच में बहुत सारे गांव पड़ते हैं। इतना स्पेस है तो हो सके बाद में यहाँ पे बने, लेकिन मुझे लगा यहाँ गाड़ी का पार्किंग वार्किंग के लिए यहाँ पे इस तरह से छोड़ा गया है और जरूरत के अनुसार यहाँ पे कुछ कुछ बन सकते हैं। और ये हो गया आपको जट डुमरी जंक्शन। तो यहाँ पे जो है बारगेटिंग कर दिया गया है ताकि ये आपको रेलवे का कैंपस हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, उसके जस्ट ये जंक्शन के यूज के लिए, चाहे वो स्टाफ हो, वर्कर हो, सारे लोग अपना ये गाड़ी पार्किंग वगैरह या कुछ सामान वगैरह जो रखना होता है उसके लिए बना हुआ है। यह डुमरी जंक्शन के जस्ट पीछे का ये आपको भवन, जिसके अंदर आपको टिकट काउंटर, जितना भी आपको कंट्रोल वगैरह है सारा कुछ इसी भवन से होगा, इसे डुमरी जंक्शन का। और ये आगे में रैंप बन रहा है जिसके जरिए जो लोग इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं बिना किसी रिस्क के लिए। इससे पहले लोग जो है रेलवे ट्रैक पे उतर के जाते थे तो ट्रेन जो आते जाते रहते हैं उनसे काफ़ी ये डर बना रहता था, लेकिन अब ये रैंप बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं
और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से जो है देख सकते हैं जो पहले से बना हुआ है बस वही है, मतलब ये छायादार बन चुका है और ये पंखे वगैरह भी लग चुके हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। पंखे लग चुके हैं और इधर उधर ये मूव हो रहे हैं, तो मतलब ये कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए जो है यहाँ पे धीरे धीरे वर्क जो है शुरू हो रहा है। तो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो पंखे का काफ़ी स्लो दिख रहा है, लेकिन सारे के सारे वर्क कर रहे हैं, मतलब वर्किंग कंडीशन में। दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है इस जंक्शन पे बहुत सुविधाएँ मिलते जा रही हैं यात्रियों को ध्यान में रखते हुए। और उस साइड में भी यात्री शेड बना हुआ है, लेकिन उस तरह से छाया हुआ नहीं है। धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा, सब रखिएगा। अब चलते हैं रैंप के ऊपर, चल के दिखाते हैं कि रैंप का वर्क किस तरह से कितना हो पाया है। तो चलिए चलते हैं इस रैंप के ऊपर, देख सकते हैं पूरा फिनिशिंग का वर्क वगैरह जो है सब कुछ हो चुका है। अब इसके ऊपर आप अप डाउन कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। रेलवे ट्रैक के ऊपर से आपको जाकर ये रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, आप सीधा आर पार जा सकते हैं। और जस्ट इसके दूसरे साइड में भी पायदान आपको बनना है, जिस तरह से बन चुका है। ऊपर से डुमरी जंक्शन कुछ इस प्रकार से दिखता है और देख सकते हैं पहली बार ऊपर से आपको देखने के लिए मिलेगा डुमरी जंक्शन का व्यू। बाकी जगह का आपको तो देखने के लिए मिलता ही था। और इस तरह से देखते थे ये रैंप ऊपर की ओर आ रहा है और दूसरे साइड से भी आपको नीचे उतारने के लिए रैंप का तैयारी हो रहा है। बात करें तो दूसरे साइड का ये जो आपको रैंप दिख रहा है ना लोहे का, तो ये आपको स्लोपिंग रैंप होगा, जस्ट वैसा ही जैसा पटना जंक्शन पे आपको स्लोपिंग रैंप बना हुआ है। मतलब जिनका ट्रॉली बैग वगैरह है वो इसके जरिए ऊपर आ सकते हैं। तो चलिए आपको समझाते हैं। तो ये जो रैंप है दो भाग में बन रहा है, तो इन दोनों के ऊपर जो है जमीन से आपको ये टच करते हुए स्लोप ऊपर चढ़ेगा, और ये जो दूसरा बन रहा है इसके जरिए जो स्लोप आपको है सीधा के इस रैंप पे मिल जाएगा। तो इस हद से कुछ होने वाला है, ताकि आप ट्रॉली बैग जो है सीढ़ी पे तो लेके नहीं चढ़ सकते हैं, या कोई बड़ा बड़ा सामान ही हो गया किसी भी चीज़ का, तो छोटे छोटे जो खींचने वाले ठेले जैसा गाड़ी जैसा होता है उसके जरिए इसके ऊपर आ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रैंप है इसके बारे में हम बता दें कि जैसे ट्रॉली बैग खींचने के लिए तो बता दिए स्लोपिंग रहेगा, तो इस साइड का जितना भी रैंप है और उस साइड से जो आपको स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वहाँ पे भी आपको जो है छोटे छोटे जो कार्ट वगैरह होते हैं या आपको ट्रॉली बैग वगैरह लेके चढ़ने के लिए आसानी होने के लिए उस से ये यहाँ पे आपको स्लोपिंग रैंप बनाया जाएगा, और वहाँ भी उस तरह से बनना है, ये भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो उन्होंने बताया है, यहाँ पर स्टेशन पे कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि ये भी स्लोपिंग है और वो भी स्लोपिंग है और वो भी स्लोपिंग है, तो इस तरह से कुछ होने वाला है। तो फिलहाल अब चलते हैं, जितना था उतना सब कुछ दिखा दिया अच्छे से। ये था दोस्तों डुमरी जंक्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट का वीडियो। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।